प्रसन्नता का कारण नरेंद्र मोदी नारायण नारायण। नरेंद्र मोदी? ये नरेंद्र मोदी कौन है मुनिराज? पृथ्वी पर भारतवर्ष नामक एक नगर है जो देवभूमि और तपोभूमि के नाम से प्रसिद्ध है। हम आपका आशय नहीं समझे मुनिराज, कृपया विस्तार से बताइए। भारतवर्ष नामक प्रांत जो बरसों से आतंक के नीचे दबा हुआ था, हर भारतवासी अब तक डर डर के जी रहा था। भारतवासियों के कष्टों को देखने और समझने वाला कोई नहीं था। फिर अब क्या हुआ मुनिराज? कई दशकों के बाद नरेंद्र मोदी नामक व्यक्ति का अवतरण हुआ है भारत की पावन भूमि पर। हे मुनिराज, आप ये क्या कह रहे हैं? ये नरेंद्र मोदी कौन है? पतित पावन पुण्य आत्मा है नरेंद्र मोदी। भारत वर्ष के सिंहासन पर लगातार दूसरी बार विराजमान होने जा रहा है ये। हे मुनिराज, इससे पहले भारत वर्ष के सिंहासन पर कौन विराजमान था? कुछ क्रूर किस्म के शासकों का शासन था भारत, जिन्होंने भारत की जनता के साथ बहुत सारे अन्याय किए। जनता त्राही त्राही कर रही थी, परंतु उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। छोटी छोटी बच्चियों के साथ अभद्र व्यवहार करना, धर्म के नाम पर गांव के गांव जला देना, निष्कासित करा देना, अन्याय पे अन्याय, अन्याय पे अन्याय, यही था उन शासकों का शासन। हे नारद, क्या इतने क्रूर शासकों का शासन है पृथ्वी लोक पर? क्रूरता की सारी हदें पार कर रखी थी उन शासकों ने। अब जाकर उन शासकों पर अंकुश लगाने वाला कोई मिला है, वो है नरेंद्र मोदी। इस नए शासक नरेंद्र मोदी में क्या क्या विशेषताएं हैं मुनिराज? हे राजन, इस व्यक्ति का जन्म ही इसी उद्देश्य से हुआ है कि भारतवासियों को क्रूर शासकों की क्रूरता से मुक्त कराएं। जैसे रावण का वध करने के लिए श्री राम ने अवतार लिया था, कंस का वध करने के लिए श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। जब जब भारत वर्ष में अन्याय बढ़ा है, तब तब किसी महाशक्ति का अवतार हुआ है। इस बार महाशक्ति के रूप में नरेंद्र मोदी ने अवतार लिया है पापियों का अंत करने के लिए। नारायण नारायण। ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है नारद जी। लगातार दूसरी बार असुरों के ऊपर विजय प्राप्त की है नरेंद्र मोदी ने। असुरों की शक्तियाँ धीरे धीरे समाप्त होने लगी है। भारत में कश्मीर नामक एक अति सुंदर स्थान है जो कश्मीर के नाम से जाना जाता है। वहाँ के वासिंदों को धर्म के नाम पर मार काट कर भगा दिया गया था। अब उन भगाए हुए लोगों को पुनः स्थापित कर